जिन्हें पंडितन कहा जाता है। हमारे यहाँ रिवायत यह है कि घर भी हजरत ज़हरा का था और चादर में भी पांच थे और वही पंडितन थे। एक इख्तलाफ यह है। दूसरा इख्तलाफ यह है कि जब बीवी के घर चादर में पांच थे, उस वक्त बीवी उम्मे सलमा चादर के नजदीक तशरीफ लाई थी और उन्होंने सवाल किया था कि अल्लाह के रसूल इजाजत है कि मैं चादर में आ जाऊं, थोड़ा सा जाग जाए, मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप जाग जाए। कि जनाब बीवी उम्मे सलमा तशरीफ लाई थी कि इजाजत है कि मैं चादर में आ जाऊं, तो बीवी को हुजूर पाक ने जवाब में फरमाया था कि तुम खैर पर हो लेकिन चादर में नहीं आ सकते, सलामत रखे ना जिंदगी अता फरमाए, तुम खैर पर हो लेकिन चादर में नहीं आ सकते। दूसरी रिवायत जो बिरादरान की है कि बीबी आशा के घर में जब सभी सरकार थे और चादर में पांचों जमा थे, तो उस वक्त बीबी आशा तशरीफ लाई और कहा सरकार इजाजत है कि मैं चादर में दाखिल हो जाऊं, तो आपने फरमाया तुम मेरी जौजा हो। कोई नाराज ना हो, देख ले किताबें मेरे पास भी मौजूद हैं, उलमा के पास भी मौजूद हैं, सब जगह लिखा हुआ है कि फरमाते हैं सरकार के तुम मेरी जौजा हो लेकिन चादर में नहीं आ सकती। नबी तो आदिल नबी है और एक से ज्यादा बीवी रखने की शर्त ही अदालत के तहत है, तो आदिल नबी एक जौजा को खैर पर कह रहे हैं, एक को खाली जौजा कह रहे हैं, नहीं पर नाराज है, नाराज होने लगता है भाई, एक जौजा को कह रहे हैं तुम खैर पर हो और एक जौजा से फरमा रहे हैं कि तुम मेरी जौजा हो लेकिन चादर में नहीं आ सकती, तो नबी पाक को दोनों कहो, या तो उनको भी कहना चाहिए था तुम मेरी जौजा हो या इन्हें भी कहना चाहिए था तुम खैर पर हो, एक को फरमाया तुम खैर पर हो एक को फरमाया तुम मेरी जौजा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नबी के फरमाने में फर्क नहीं है, अपने अपने किरदार में फर्क है। किरदार में कोई खामी नहीं है, किरदार में कोई मसला नहीं है, मगर किरदार किस हवाले से कि खैर का जुमला नबी ने बीबी उम्मे सलमा के साथ फरमाकर ये बता दिया कि इनका खैर से ताल्लुक है, क्योंकि इनका हया अला खैरिल अमल से ताल्लुक है। और खैर पर वो है, खुदा ना खास्ता जहां किसी का इंतकाल हो जाए, मौलाना साहब नमाज पढ़ा रहे हूँ, मुझे पता नहीं था, मैंने देखा कि नमाज जनाजा किसी की हो रही है, मैं भी पिछली सब में जाके खड़ा हो गया। नमाज जनाजा के लिए मुस्तहब है कि पिछली सफों में खड़े हों, गौर करिएगा, ये मुस्तहब है कि पिछली सफों में खड़े हों। हमारे यहाँ क्या है, फोटो खिंचवाने के लिए लोग मौलवी के पीछे खड़े होते हैं कि मेरा भी फोटो आ जाए कि मैं जनाजे में था, और अगर कोई शहीद हो जाए तो उसके जनाजे में तो नमाज ही नहीं पढ़ते, बस जनाजे से चिपट जाते हैं कि फोटो आ जाए। हमारे कराची में बहुत रिवाज है, आपने देखा होगा टीवी में कि जना अभी अब्बास कुमैली साहब का इंतकाल हुआ, मैं तो अमेरिका में था लेकिन उनके इंतकाल का फोटो देखा, तो सारे जनाजे के आगे बैठे हुए हैं और मौलवी को नमाज पढ़ाने नहीं दे रहे, इतना झमघट्टा लगाया हुआ, क्यों, मीडिया बहुत था कि मेरा भी फोटो आ जाए मेरा भी फोटो आ जाए। यहाँ तो फोटो आ जाएगा, अल्लाह कहता है उसका फोटो आएगा जो जमात में पीछे खड़ा होगा। नमाज जनाज यानी आम नमाज में आगे खड़े न हो का हुक्म है, जैसे पंजगाना नमाज है उसमें आगे खड़े हो, अगली सब में खड़े हो उसका सवाब ज्यादा है, पिछली में जरा कम है, फिर पिछली में पिछली तरह से कम है, और अगली सब में भी सीधे हाथ वाले का सवाब ज्यादा है, उल्टे हाथ वाले का सवाब कम है, लिहाजा कोशिश करेंगे पेश नमाज के पीछे सीधे हाथ की तरफ
यानी आपका सीधा हाथ हो उस तरफ पड़े हो, और फिर जो जो लोग कम होते जाते हैं यानी जमात के सब के लिहाज से तो सवाब कम होता है, लेकिन तादाद बढ़ती जाती है तो सवाब बढ़ता जाता है। जो जो तादाद बढ़ेगी, एक का कुछ है, दस का कुछ है, वो पूरी फिगर है, कभी मौका मिला तो बयान करूंगा, आप उलमा से सुनते रहते हैं, वरना कहेंगे मौलाना कि जनाब ये बातें तो हमारे बच्चों को भी पता है, आप कराची से इतना खर्चा करा के ये बताने हैं। इसलिए मैं इन बातों की तरफ ज्यादा नहीं जाता, लेकिन सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ कि नमाज जमात हो रही थी किसी मोमिन की, किसी का इंतकाल हो गया था, मुझे तो नहीं पता था कि ये कौन है। मैं सबसे पिछली जमात में आके खड़ा हो गया सफ में, मैंने क्योंकि हुक्म है कि पेश नमाज जो नमाज जनाजा में पढ़े उसको दोहराओ, उसके अस्कार को, उसके दुआया कलिमात को दोहराओ। हमारे यहाँ तो बिल जहर पढ़ी जाती है नमाज जनाजा, मुसलमानों के यहाँ बिल अक्फा पढ़ी जाती है, पेश नमाज क्या पढ़ रहा है पीछे वाले को पता नहीं होता, जुमला कह दूं। यही इस बात की दलील है कि हम ऐलान हय्याला खैरिल अमल बावाज़े बुलंद करते हैं। ताकि जनाजे का पता चल जाए। लेकिन मैं आ गया पिछली सफ में खड़ा हो गया, देखा कि मौलाना ने पांच तकबीरें होती हैं, पहली तकबीर की, दूसरी तकबीर की, और फिर आखिरी तकबीर में कहा अल्लाहुम्मा इन्ना ना लालमु इल्ला खैरा, कि मैं कुछ नहीं जानता सिवाय इसके कि ये खैर पढ़ता। मैं भी दौड़ रहा हूँ पीछे। अच्छा, उस साहिब मैयत को मैंने कभी देखा ही नहीं, जब देखा ही नहीं था तो कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा, कभी रोजा रखते नहीं देखा, कभी कोई अमल करते नहीं देखा, और मैं मुसाफिर कह रहा हूँ कि यह खैर पढ़ता। जब मैंने उसको कोई खैर का काम करते ही नहीं देखा तो मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ? मैंने उसे कोई अमल खैर करते ही नहीं देखा, मैं तो मुसाफिर था, आगे जनाजा पड़ा था, 100 आदमी आगे खड़े थे, मैं 101 पीछे खड़ा हो गया, और फिर मैं मौलाना की बात को दोहरा रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता सिवाय इसके खैर पर था, मैंने तो कोई खैर का काम करते देखा ही नहीं। जुमला कह दूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने खैर का काम करते तो नहीं देखा, लेकिन ये जरूर देख रहा हूँ कि जनाजा अलम के नीचे हो रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि जनाजा अलम के नीचे हो रहा है और 100 मोमिनीन आगे खड़े हैं, आगे मौलाना साहब खड़े हैं, इसका मतलब है मुझे ये यकीन हो गया कि मैंने इसको कोई अमल खैर करते हुए जाहिरन तो नहीं देखा, लेकिन अब ये देख रहा हूँ कि इसका ताल्लुक खैर से है, खैर का ताल्लुक गदीर से है, गदीर का ताल्लुक अली इब्न अबी तालिब से है। तो बीबी ने जब आगे कहा कि मुझे इजाजत दें कि मैं चादर में आ जाऊं, तो नबी पाक ने क्या जवाब दिया कि आप खैर पर हैं लेकिन चादर में नहीं आ सकते। दूसरी बीबी की रिवायत मुसलमान बयान करते हैं, वो आई तो कहा तुम मेरी जौजा हो लेकिन चादर में नहीं आ सकती। ये बता दिया कि किसका ताल्लुक वदीर से है, किसका ताल्लुक वदीर से नहीं है। नबी तो आदिल है, बात वो करेंगे जो ऐने वाकया होगी, वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि अदल और इंसाफ में फर्क है। ये बात है इंसाफ की कि जैसा किरदार है अली के हवाले से वैसा बयान किया जाएगा। पांचों के पांचों चादर में आ गए, और उस वक्त जिब्राइल अमीन ने अल्लाह से सवाल किया, आमादा हो जाए थोड़े, या अल्लाह ये चादर के नीचे हैं कौन? सुबह शाम तो इनके बच्चों की आप चक्की चलाते हैं, झूला झुलाते हैं, तस्बीह चलाते हैं, आपको पता नहीं ये चादर के नीचे कौन है? क्या जनाबे जिब्राइल को नहीं पता ये चादर के नीचे कौन है? तो जिब्राइल अमीन जैसा मासूम फरिश्ता वो कह रहा है या अल्लाह बताइए चादर के नीचे कौन है, दलील दे दो कि चादर के नीचे कौन है। तो शायद जवाब आएगा जिब्राइल अमीन जानते तो हैं कि कौन है लेकिन पहचानते नहीं है। क्यों नहीं पहचानते? अब चलें इसका एक और जवाब आपकी खामोशी पर, और वो ये, कनाडा में पढ़ रहा था इसी मौजू पर, तो एक बच्चे ने पर्चा लिख के भेजा कि एक जो चादर होती है उस चादर में दो बंदे आ सकते हैं, डबल बेड वाली चादर हो। ये कितनी बड़ी चादर थी कि इसमें 5 अफराद हैं।
यमनी चादर देखी होगी जो हज पे गए मदीने में मिलती है, आज भी मिलती है वो यमनी चादर जिसे कफन में रखते हैं हम, और आप इंशाल्लाह हज उमरे पे जाएं तो जरूर लीजिएगा, मुस्तहब है। वो चादर यमानी कहलाती है, वही चादर है जो यही चादर जिसकी नस्बत है, तो वो चादर कफन में रखी जाती है। कितनी बड़ी है, दो अफराद आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक बच्चा जाए आ जाए, चले तीन हो गए, ये तो तीन बड़े हैं दो छोटे हैं, तो कितनी बड़ी चादर थी, कोई शामियाना था? ये सवाल किया एक बच्चे ने, तो मैंने कहा उसका जवाब यही है कि जिब्राइल अमीन ये सवाल करके इसका जवाब दे रहे हैं कि या अल्लाह ये चादर के नीचे हैं कौन, ये बताने के लिए कि जब ये जुदा जुदा होते हैं तो पहचानने में आते हैं, जब ये एक चादर में आ जाते हैं तो एक नूर हो जाते हैं, और जब एक नूर हो जाते हैं तो जिब्राइल जैसा नहीं पहचानता, और जब एक नूर होगा तो छोटी चादर होगी उसमें भी आ जाए, फिर किसी बड़ी चादर की भी जरूरत नहीं है। तो जिब्राइल अमीन सवाल कर रहे हैं कि या अल्लाह ये चादर के नीचे है कौन। अब जुमला कह दूं, जिब्राइल जैसा इनकी हकीकत को नहीं पहचान सकता, तो आज का मुल्ला मौलवी कह रहे मेरी तरह के दशा में, तो जुमला कह दिया वो ये कह कि जनाब नबी मेरी तरह, अली मेरी तरह, ये पंजतन मेरी तरह, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिब्राइल जैसे नहीं पहचान रहे कि ये चादर के नीचे है कौन। आवाज कुदरत आई, होम फातिमा को बातें तो सुनी भी होती है लेकिन हर खतीब का अपना अंदाज होता है, कहा कि होम फातिमा को वह अबूहा वह बालोहा वह बनूहा, मासूमा आलम है, उनके बाबा हैं, उनके शौहर हैं, उनके बच्चे हैं। फिर दोहरा रहा भाई, हुजूर पाक कायनात के सरदार हैं, बीवी के भी बाबा हैं, तो अल्लाह को तो चाहिए ये था कि कहता कि रसूल पाक हैं, उनकी बेटी हैं, बेटी के शौहर हैं और उन दोनों के बच्चे हैं। लेकिन नबी पाक से मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, आप भले दानवाद ना दें कोई बात नहीं, लेकिन सरकार फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है कि हम फातिमा फातिमा है, सरदार से तारुफ क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं कह रहा अल्लाह के नबी पाक हैं, अफजल खलायक हैं, उनकी बेटी हैं, उनके शौहर हैं, उनके बच्चे नहीं, आकरजादी हैं, उनके बाबा हैं, उनके शौहर हैं, उनके बच्चे हैं, क्यों? इजाजत दें अगर तो इसकी तज्जिया करो, आपके शहर में मुझे नहीं पता कौन सा इलाका कोश इलाका है, बहुत ज्यादा अमीर लोग जहाँ रहते हो शायद यही होगा जहाँ शोला साहब रहते हैं, मुझे नहीं पता, तो यही है माशाल्लाह, तो कोई भी दरवाजा बजाए शोला साहब के बराबर में किसी अमीर का और कह भाई यहाँ कौन रहता है, तो निकलने वाला बच्चा कहेगा फला चौधरी साहब रहते हैं, उनकी औलाद रहती है, कराची चले जाए डिफेंस में, वहां जाकर बिलावल हाउस का दरवाजा बजाए, पूछेगा भाई यहाँ कौन रहता है, क्या जवाब देगा, जरदारी साहब रहते हैं, जेल चले जाए जेल का दरवाजा बजाए, पूछे भाई यहाँ कौन रहता है, यानी आप किसी का भी दरवाजा बजाए अंदर से जवाब देने वाला मर्द का नाम लेगा, आवाज पे असर है इसलिए मैं ज्यादा जोर नहीं लगा रहा हूं कि जनाब मर्द का नाम लेगा। अच्छा कितना ही कोई खुदा ना खास्ता बेरारवी का शिकार घराना हो, बेपर्दा घराना हो, अल्लाह ना करे, उसके घर में भी अगर कोई औरत भी दरवाजे पे आ जाएगी ना और पर्दा नहीं करेगी, ऐसे सामने आ जाएगी खुदा ना खास्ता डिफेंस में, और उससे पूछ ले बीवी इस घर में कौन रहता है, तो वो नहीं कहेगी मैं रहती हूँ, मेरे बाबा रहते हैं, मेरे शौहर रहते हैं, मेरे बच्चे रहते हैं, वो भी फौरन कहेगी कि मेरे बाबा रहते हैं, फिर कहेगी मेरे शौहर रहते हैं, यानी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा घराना भी हो वो भी अपने घर का तारुफ किसी औरत के जरिए से नहीं कर रहा है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, ये कायनात को गैरत का दर्स देने वाला घराना है, मैंने बहुत बड़ी बात कर दिया, कायनात को गैरत का दर्स देने वाला घराना है,
अल्लाह इसका तारुफ एक औरत के जरिए से करा रहा है, एक बीबी के जरिए से करा रहा है, जबकि नबी बड़े भी हैं, मर्द भी हैं, सरदार भी हैं। बीबी सिन के अतबार से जाहिर छोटी भी है और औरत भी है, तो अल्लाह को तारुफ नबी पाक के जरिए से कराना चाहिए था। मौलाना साहब पढ़े लिखे हजरात, एक बहुत बड़ा मसला हल करना चाह रहा हूं अगर मैं पहुंचा सका। दुनिया वाले कहते हैं कि अहले बैत में अजवाज भी हैं, अहले बैत में अजवाज मुताहरात भी हैं, अहले बैत में अजवाज से ताल्लुक रखने वाले असहाब भी हैं और पंजतन भी हैं। ये सब अहले बैत हैं, यानी मुल्ला मौलवी गड़बड़ कर देते हैं कि जनाब सब अहले बैत में जिनका भी नबी से ताल्लुक है वो अहले बैत में, और जुमे के खुतबों में बड़ा बेवकूफ बनाते हैं लोगों को कि जनाब सब अहले बैत हैं। ये तो शियों ने फसाद डाला हुआ है, सब अहले बैत हैं, नबी के अजवाज भी अहले बैत हैं, असहाब भी अहले बैत हैं और पंजतन तो है ही अहले बैत। तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज करूं, आप कह रहे हैं कि अहले बैत में सब शामिल हैं, अल्लाह फरमा रहा है हम फातिमा को, आपका फैसला सही नहीं होगा, कुदरत का फैसला सही होगा। आप फितरी दलील सुन लें, ये तो कुदरत का फैसला आप सुनते रहते हैं किताबों में, हदीसे किताब पढ़ते रहते हैं, लेकिन जरा इसकी दलील सुन लें कि बड़े से बड़े घराने का ताल्लुक मर्द के जरिए से होता है, औरत के जरिए से नहीं होता। जवाब दिया है अल्लाह ताला ने उन मौलवी मुल्लाओं को जो अहले बैत में सबको शामिल करते हैं, अल्लाह ने जवाब दिया है कि मैं ये बता रहा हूं हम फातिमा को, वअबूहा वबालुहा वबनुहा, जान लो अहले बैत का ताल्लुक रसूल के रिश्तेदारों से नहीं है, बतूल के रिश्तेदारों से। इसका मतलब क्या हुआ? अगर अल्लाह तारुफ करा देता नबी के जरिए से, तो नबी का रिश्ता अजवाज से भी है। फिर तो मुल्ला की बात सही हो जाती ना, कि अगर नबी से तारुफ कराता तो कह देते भाई नबी अहले बैत के फर्द हैं, उनकी जौजा भी अहले बैत में, और नबी से ताल्लुक रखने वाले जितने असहाब हैं और वो अजवाज से ताल्लुक रखते हैं वो भी अहले बैत में। अल्लाह ने कैसा बंद बांधा, अल्लाह ने बता दिया कि अहले बैत का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ उनका है जिनका रिश्ता बतूल के साथ। अब जुमला कहूं, अगर खदीजा होती तो चादर में आ जाती। छटा कैसे आ सकता है तो जिब्राइल कैसे आ गए?
जिब्रील अमीन भी तो आए ना, इसलिए कि वो पाकीज़ा फरिश्ते हैं, उनसे गुनाह हो नहीं सकता। लिहाजा वो चादर में आ गए, इजाजत लेके आप हदीसे के सामने सुनते रहते हैं। तो जनाब खदीजा भी आ सकती थी, क्यों आ सकती थी? वो बतूल की मां, इसलिए कि जिस जिस का रिश्ता जनाब बतूल के साथ वो अहले बैत में दाखिल है। जल्दी से जुमला कहूं, जनाब खदीजा से एक दिन सरकार ने फरमाया कि आप मलिकतुल अरब और पत्ते खाने पे मजबूर हुई। आप मलिकतुल अरब, मैंने पहले भी एक मजलिस में ऐसा किया था कि ये बीवी खालिस रेशम का जोड़ा, जो यहां तो बन भी नहीं सकता, खालिस रेशम एक दफा पहन लेती थी फिर गरीबों में दे देती थी, कभी दोबारा नहीं पहनती थी। ढेर लग जाता था सोने की अशर्फियों का रोजाना, दूसरी तरफ बंदा नजर नहीं आता था, इतना ढेर लग जाता था, रोज बांट देती थी गरीबों में, और इतना कुछ इस्लाम पे कुर्बान किया। नबी ने एक दिन फरमाया कि खदीजा आप बहुत अजीम हैं, आपने ये सब कुछ इस्लाम के नाम पे खर्च कर दिया, लेकिन मैं जुमला है तारीख में, मैं आपसे शर्मिंदा हूं। नबी फरमा रहे मैं आपसे शर्मिंदा हूं, तो बीबी हाथ जोड़ के कहती है कि क्या फरमा रहे हैं आप ऐसा जुमला क्यों फरमा रहे हैं? तो सरकार फरमाते हैं इसलिए कि आप इस्लाम की खातिर, देखिए गरीब से अमीर हो जाना कोई बात नहीं है, गरीब से अमीर होते ही हैं लोग और फिर पिछली चाल भूल जाते हैं, समझते हैं हम जद्दी कुश्ती अमीर हैं, गर्दन में लोहा आ जाता है, लेकिन अमीर से गरीब होना मुश्किल काम है। अगर कोई अमीर हो जद्दी कुश्ती और एकदम गरीब हो जाए फिर उसे पता होता है कि वो कैसे जिंदगी गुजारता है। तो बीवी हाँ गाड़ी से साइकिल पे आ जाए तो कैसे चलेगा, साइकिल से कोई गाड़ी पे आ जाए तो करीब नहीं आने देगा किसी को। क्या क्या जनाबे खदे, कभी बयान करूंगा जनाबे खदेजा पे मैंने कुछ और तहकीक की है, अगर राणा साहब याद दिला रहे हैं तो मैं कल की मजलिस में बयान करूंगा। बीबी पर देखिए इल्म बढ़ता है खर्च करने से, इल्म बढ़ता है खर्च करने से। तो मैं भी जब अमेरिका में था तो कुछ किताबें साथ ले गया था, तो बीबी खदीजा पे कुछ तहकीक की है, अगर इजाजत देंगे तो बयान करेंगे। लेकिन सिर्फ एक जुमला सुन ले, सरकार फरमाते हैं कि आप इतनी बड़ी मलिकतुल अरब और इस्लाम पे आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया और इस्लाम ने आपको जाहिरन कुछ नहीं दिया। अब जुमला सुनिएगा, बीबी कदमों में गिर गई, सरकार ये ना फरमाए कि मुझे इस्लाम ने कुछ नहीं दिया। सरकार तो जाहिरी चीज फरमा रहे थे ना, दुनियावी चीज, क्योंकि ये माल दौलत की बात थी, का इस्लाम ने तुम्हें उसके बदले में यानी दुनिया की कोई चीज नहीं दी। तो बीबी खदीजा ने जो जुमला फरमाया, फरमाती है अगर आसमान से लेकर जमीन तक सारा जमीन और आसमान सोने से भर जाता और वो मेरी मिल्कियत हो जाता तो भी वो कम था, अल्लाह ने आपकी बेटी जहरा का मुझे मां बनाया। पता ये चला, खदीजा भी फख्र करती है कि मैं जहरा की मां हूं, फकर करती है, पता है कि जहरा की अजमत क्या है, जिसका तारुफ अल्लाह कराए हम फातिमा को, उस बीबी की क्या शान होनी चाहिए जिसका तारुफ अल्लाह करा रहा है हम फातिमा को। फातिमा है, उनके बाबा हैं, उनके शौहर हैं, उनके बेटे हैं। एक और मसला हल कर दूं बच्चों के लिए, मैंने जुमला कहा था भी कि आया तफीर के मिजदाके 14, चादर में तो 5 थे। जल्दी से अर्ज कर दूं, अल्लाह ने नौजवान आमादा हो जाए जो सो रहे हो जाग जाए, अल्लाह ने इस जवाब में 14 का तारुफ कराया है। हम फातिमा को व अबूहा व बालोहा व बनूहा, बनू कहते हैं 3 से या 3 से ज्यादा को, ये बनु हाशिम क्यों कहते हैं, बनु हाशिम 18 बनु हाशिम थे, बनु हाशिम बनु कहते हैं 3 या 3 से ज्यादा को, चादर में तो 2 बच्चे थे, इसको कहते हैं इब्नान,
अरबी ग्रामर में इब्न एक को कहते हैं, इब्नान दो को कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि अल्लाह जैसा खालिक है कायनात, अरबी का खालिक, वो कह रहा है इब्नान नहीं बनू, ये बताने के लिए कि तुम्हारी नजर में दो हैं, मेरी नजर में हुसैन की नस्ल से जितने हैं वो चादर में मौजूद है। चला के मौला सज्जाद से लेकर और मेरे आखिरी इमाम तक सब के सब चादर में मौजूद है। आपको नजर आए या ना आए, अल्लाह बता रहा है कि हुसैन की नस्ल से जितने इमाम होंगे वो सब के सब आयत अथीर के मिज़दाक होंगे, वो सारे के सारे नमाज उरीदुल्लाह के मिज़दाक होंगे। और उन्हीं की शान में ये आयत नाज़िल हुई है जिसे कहा जाता है नमाज उरीदुल्लाह। हमारे एक बुजुर्ग आलिम गुजरे जानते लोग, अल्लामा बशीर टैक्सला साहब, फादर टैक्सला, थक गए तो मैं छोड़ दूँ, गर्मी का मौसम भी है। अल्लामा खैरपुर शहर में एक जलसे में तकरीर कर रहे थे, तो तकरीर करते करते एक बिरादर ने अहले सुन्नत के आलिम भी थे, उन्होंने भी तकरीर की, तो इनकी तकरीर से पहले उनकी तकरीर थी, यानी बशीर साहब से पहले उनकी तकरीर थी। उनका नाम था शफी ओकारी, कराची में होते, वो तकरीर कर रहे थे। तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि जनाब शियों से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारे भाई हैं। नीचे से नारे लगे कि यहाँ पे इत्तेहाद की बात होनी चाहिए, मगर एक छोटा सा दुख है शियों से, शियों से छोटा सा दुख है, और वो दुख ये है कि शिया हजरात अहले बैत में, अब वकील साहब का जवाब आएगा, अहले बैत में सिर्फ पंजतन को मानते हैं, ना अजवाज को मानते हैं जबकि वो घर में रहती थी, ना असहाब को मानते हैं कि वो नबी की घरवालियों के रिश्तेदार थे, सिर्फ पांच को मानते हैं। अब उन्होंने हमारी तरह तहकीक तो नहीं की थी कि पांच ही नहीं 14 है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सिर्फ पांच को मानते हैं, ना अजवाज को मानते हैं ना सहाब को मानते हैं, बस ये इख्तलाफ थोड़ा सा उन्होंने यानी दुख का इजहार किया। और उसके बाद बेहतरीन फजाइल पढ़े, नबी पाक के सीरत नबी का जलसा था और शियों की तरफ से था, तो उसमें बेहतरीन उन्होंने फजाइल पढ़े और उसके बाद मिंबर से उतर गए। उतर के जाने लगे सक्कर एक्सप्रेस से, उनकी बुकिंग थी खैरपुर शहर की, ये बात है, उन्हें जाना था कराची, तो वो जाने लगे कि भाई मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है। तो बशीर टैक्सला साहब ने कहा कि दो मिनट के लिए बैठ जाएं, मैं आपके दुख का जवाब आप ही की तकरीर से देना चाहता हूँ, आपके दुख का जवाब जो आपको दुख है उसे मैं सुख में बदलना चाहता हूँ, यहाँ उसे सुख में बदलना चाहता हूँ ताकि आपकी जो रिश्ता है वो दूर हो जाए, जो आपको तकलीफ है वो दूर हो जाए। वो बैठ गए कि चलें देखें क्या जवाब देते हैं। अल्लामा बशीर साहब ने कहा भाई मैं अपनी तकरीर तो बाद में करूंगा क्योंकि अल्लामा को जल्दी है, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ इनकी तकरीर का, एतराज़ का इन्हीं की तकरीर से। लोग हमतन गोश थे जैसे आप माशाल्लाह, वो सब के सब लोग देखने लगे क्या जवाब देंगे। तो अल्लामा ने फरमाया कि देखिए आपने बेहतरीन तकरीर की, और तकरीर से पहले खुतबे में आपने दुरूद शरीफ पढ़ा, और दुरूद शरीफ में पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मदिन व अला आलिही व अला अज़वाजिही व अला असहाबिही, आपने दुरूद शरीफ में पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मदिन व अला आलिही व अला अज़वाजिही व अला असहाबिही। जुमला कहूँ, ये जो बीच बीच में अला लगा रहे हैं ना, इसी में खामी है, ये जो बीच बीच में आला लगाते हैं ना, ये खिलाफ फसाहत है, खिलाफत बलागत है, खिलाफ बलागत है ये अला अला। खैर ये तो मेरी बात थी। अल्लामा फरमाते हैं कि आपने अभी अभी दुरूद पढ़ा खुतबे में अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलिही व अला अज़वाजिही व अला असहाबिही। अल्लामा फरमाते हैं आपने दुख का इजहार किया, हम पे एतराज़ किया कि शिया सिर्फ पंजतन को अहले बैत में मानते हैं,
ना अजवाज को मानते हैं ना असहाब को मानते हैं। फिर आपने दुरूद पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाला आलिही वाला अजवाजही वाला असहाबी। आपने एतराज हम पे किया और तीनों का जुदा जुदा नाम लेकर खुद ऐलान कर दिया कि आल और हैं अजवाज और हैं। मैंने थोड़ी सी जरूरत की कि जनाब अल्लामा ने तो जवाब दे दिया नकली अकली कि जनाब आप अल्लाह ना लगाएं सबका अलग अलग नाम ना लें, आप खुद नाम अलग लेके बता रहे हैं कि वो अलग है वो अलग है वो अलग है। फिर अगर हम उनको अलग अलग मानते हैं तो इसमें एतराज की क्या बात है। मैंने उसमें जरूरत की कि भाइयों आप हमारी तरह का दुरूद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, हमारी तरह का दुरूद पढ़ें। फिर आप दुरूद हमारी तरह का पढ़ के जिसको चाहे अहले बैत में शामिल कर लें, दुरूद पहुंचेगा उसी तक जो अहले बैत में हो। अजीबोगरीब बात है कि जनाब एक मजलिस में मैंने कोई बात की तो कोई मोमिन ने खड़े होके जो है वो कहा अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। सबने कहा बेशुमार। मुझसे आगे कमरे में जहां हम खाना खाते हैं शोला साहब की तरह, वहां आकर कहने लगा कि मौलाना साहब क्या ये आप दुरूद दुरूद करते हैं, दुरूद तो नहीं पहुँचता तो नमाज की हद तक है, नमाज में पढ़ने का हुक्म है ताकि सुबह शाम मजलिस में मीलाद में उठते बैठते आप दुरूद पढ़ते रहते हैं, दुरूद कोई नहीं पहुंचता। वो क्योंकि अकेला था मजलिस में नहीं था तो मैंने आहिस्ता से कहा तुम्हारे वालिद जिंदा हैं? कहने लगा हाँ। मैं कहा दादा? कह रहे उनका इंतकाल हो गया। मैंने कहा तुम्हारे दादा पे अल्लाह की लानत हो। तुम्हारे दादा पे अल्लाह की लानत हो। एकदम सुर्ख हो गया, आस्ती ने चढ़ा दी। कहने लगे अगर आप चोला साहब के यहाँ बैठे हुए ना होते तो मैं आपके मुक्का मार दूँ। मैंने कहा क्यों मुक्का मार देते? कहने आप मेरे दादा पे लानत भेज रहे हैं। मैंने कहा तुम अभी तो कह रहे थे कि आले मोहम्मद पे दुरूद नहीं पहुंचता, ये लानत कैसे पहुंचती है? और तुम्हारा गुस्सा होना इस बात की दलील है कि लानत पहुंच गई, तो गुस्सा होना दलील है कि लानत पहुंच गई। हम खुश होके दुरूद पढ़ रहे हैं तो दुरूद आले मोहम्मद पे नहीं पहुंच। एक बुलंद आवाज से पढ़ रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अहले बैत में 5, 12, 14 और यही अहले बैत है। अगर इनके अलावा किसी को अहले बैत में मानेंगे, क्योंकि अहले बैत ओहदे का नाम नहीं है, फजीलत का नाम है। अब जुमला कहूं, मुसलमान कितनी ही बेटियां देते रहे, कल पढ़ेंगे, मुसलमान कितनी ही बेटियां नबी पाक को देते रहे कि जनाब हम बेटी देंगे, बेटी घरवाली बन जाएगी, घर वाले अहले बैत में आ जाएंगे। तो अल्लाह बताना ये चाहता है कि अहले बैत रिश्ते का नाम नहीं है, फजीलत का नाम है। जुमला कह दूं,
फजीलत कमजर को नहीं मिलती। फजीलत हमेशा आला जर्फ को मिला करती है। तो अल्लाह फजीलत देता है अहले बैत को, अहले बैत में वही होंगे जो आला जर्फ होंगे। कोई भी ऐसा अहले बैत में नहीं आ सकता जो किसी भी हवाले से कम जर्फ हो, चाहे हसब के एतबार से, चाहे नसब के एतबार से। मैंने जुमला कह दिया, किसी भी एतबार से कम जर्फ है वो अहले बैत में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ने इन 5, 12, 14 को ऐसा बनाया कि इन जैसा किसी को नहीं बनाया। कायनात में इन जैसा कोई नहीं है। और आइंदा की मजालिस में अर्ज करूंगा कि हर सिर्फ से, किसी भी पहलू से आप देख लें, इन जैसा कोई नहीं मिलेगा। पहलू बहुत से मेरे जहन में इस साल मशरे के लिए, इंशाल्लाह अर्ज करूंगा। बस 14 की मार्फत हासिल करें, क्योंकि इन्हें ऐसा पाक बनाया जैसे पाक बनाने का हक है। दुरूद पढ़ने वाला नावाज आपको किसी गम में ना रुलाए, सिवाय हमने अहले बैत के। ये दिन अब अय्याम अज़ा के दिन है। अभी हमारे भाई साहब अख्तर चिलोजी साहब का कलाम पढ़ रहे थे और बता रहे थे कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितना अजीम बनाया है। गाजी सरकार की आदत थी जो रोने आए थे, गाजी सरकार की आदत थी कभी बीबी जैनब के चेहरे को नहीं देखते। इसमें बहुत सारे गोशे रखता हूँ, अगर आप तवज्जो फरमाएंगे तो दो आंसू निकलेंगे। कभी आका गांधी के चेहरे को नहीं देखते, हमेशा कदमों की तरफ देखते। 4 साल के थे गाजी सरकार, तो बीबी ने बुलाया अब्बास, तो गर्दन झुकी हुई थी, आस्ते-आस्ते कदम बढ़ा गया और हाथ जोड़ के गर्दन झुकी हुई अर्ज करते हैं, जी आकाजादी। हजरत आकाजादी ज़ैनब फरमाती है, अब्बास तुम्हें पता है कुछ? जी आकाजादी फरमाइए। तुम्हें पता है कि मेरे बाबा अली ने तहज्जुद की नमाजों में अल्लाह ताला से तुम्हें क्यों मांगा? शुरू में आए हैं, तुम्हें अल्लाह ताला से क्यों मांगा है? कभी गौर किया है? तुम्हें पता है गाजी सरकार गर्दन झुकी हुई, हाथ जोड़े हुए, कदमों की तरफ देखते हुए अर्ज करते, नहीं आकाजादी, आप बेहतर जानती हैं कि मुझे बाबा ने क्यों मांगा है अल्लाह से। तो बीबी आंखों में आंसू भर के फरमाती हैं, तो मैं मेरे बाबा ने करबला के लिए मांगा। तो रोने आए हैं, जाहिर है कि वो मसाइल नहीं पढ़ सकते जो किताबों में ना हो। बीबी फरमाती हैं, तुम्हें बाबा ने करबला के लिए मांगा है। पहली दफा गाजी सरकार ने करबला का नाम सुना, तो एक मरतबा सोचा कि मुझे मांगा है अल्लाह से मेरे बाबा ने, तो करबला कोई खास चीज होगी, कोई खास बात है। इस करबला में क्या बात है जो मुझे बाबा ने अल्लाह से मांगा है, जबकि मेरे आका हुसैन है, मेरे आका हसन, मेरे इस घराने के बुजुर्ग मौजूद हैं, मुझ जैसे को क्यों मांगा है करबला के लिए? ये गाजी सोचा करते थे। अभी कुछ दिन गुजरे थे कि बीबी उम्मुल बनीन ने कहा, अब्बास तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा ने अल्लाह से तुम्हें क्यों मांगा? तो हजरत अब्बास अलमदार फिर अर्ज करते हैं कि आका जादी ने बताया है कि मुझे करबला के लिए मांगा। कहा कि हाँ, बस तैयार हो जाओ करबला के लिए। एक बीच में रिवायत सुन ले, मेरे मिजाज है। जब बीबी उम्मुल बनीन मौला अली के अब्द में आई थी और शादी को अभी 5 दिन गुजरे थे, तो मौला अली आवाज देते थे, ज़ौजा को आवाज दी जाती है फातिमा, फातिमा का रबिया नाम, तो फातिमा, मौला आवाज देते थे फातिमा, बीबी तशरीफ लाती थी आवाज पर, लबैक कहती थी, करीब आती थी, जी फरमाइए मौला, कोई भी काम कहना होता तो फरमाते थे फातिमा, ये काम है, ये काम है, जो भी घर के काम। जब 5वां दिन था तो बीबी को मौला ने बुलाया कि जरा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। बीबी हुजरे में आई, हाथ जोड़ के जमीन पर बैठ गई, आका अगर नाराज ना हो तो मैं बात कहना चाहती हूँ। मौला फरमाते, हाँ फातिमा बताओ, क्या कहना चाहती हो?
जो रोने आए हैं उससे ये रिवायत नहीं पढ़ी जाती। कहा कि मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रही हूँ कि मुझे फातिमा कह के ना बुलाया, मुझे फातिमा कह के ना बुलाया करें। मौला जी फरमाते हैं तुम्हारा नाम फातिमा है तो मैं क्यों ना बुलाऊं फातिमा कह के। तो जनाबे उम्मुल बनीन हाथ जोड़ के कहती है अभी तो बीबी का नाम उम्मुल बनीन नहीं पड़ा, अभी तो फातिमा का लाबिया है। जनाबे उम्मुल बनीन महावरतन अर्ज कर रहा हूँ, कहती है कि आका आखिर आप मुझे फातिमा कहकर बुलाते हैं। कहा कि हाँ इसमें क्या बात है, क्यों मुझे मना कर रही हो कि मैं तुम्हें फातिमा ना बुलाऊं। सुनेंगे अदालत तो बीबी की आंखों में आंसू, हाथ जोड़ के कहती है जब भी अभी आप मुझे फातिमा कहते हैं ज़ैनब रोने लगती है, उम्मे कुलसूम रोने लगती है, इसलिए कि उन्हें उनकी बात याद आ जाती है। अजरों को मन अल्लाह खुदा आपके गिरिए पर रहमतों का नज़ूल फरमाए। अज़दारों उस वक्त मौला अली ने जनाबे फातिमा कलाबिया की इस हिसाब और कुर्बानी और वफा को देखकर मौला ने खुशखबरी दी कि ए फातिमा आज के बाद मैं तुम्हें फातिमा नहीं कहूंगा, इसलिए कि तुम समझती हो कि तुम्हारी आकाजातियों के दिल दुखते हैं उन्हें माँ याद आ जाती है। आज मैं बशारत दे रहा हूँ तुम्हें आज के बाद उम्मुल बनीन कहूंगा, इसलिए कि अल्लाह तुम्हें चार बेटे देगा, लेकिन आज मुझसे वादा करो कि जहरा के बेटों पर अपने बेटों को कुर्बान कर देंगे। यही सबब है कि जनाबे उमर बनीन ने बेटों के दुनिया में आने से पहले मौला अली से वादा कर लिया था कि मैं चारों बेटे ज़हरा पर कुर्बान कर दूँगा। इसलिए जनाबे अब्बास से पूछती है अब्बास तुम्हें पता है तुम्हें अल्लाह ने से क्यों मांगा है, तो जनाबे अब्बास कहते हैं हाँ आकाजादी ने बताया है कि मुझे करबला के लिए मांगा है। तो फरमाती है हाँ बस याद रखना तुम्हें करबला के लिए मांगा है। अज़दारों जब दो मुहर्रम आई और करबला में घोड़ा रुक गया मौला हुसैन का और मौला ने किसी से पूछा इस जमीन को क्या कहते हैं, किसी ने कहा कादरिया, किसी ने कहा नैनवा, किसी ने कहा शब्दुल फरार, एक बुजुर्ग ने कहा इसे करबला भी कहा जाता है। हजरत अब्बास खड़े थे एक मरतबा अंगड़ाई ली तो करबला आ गई, किसके लिए मुझे अल्लाह वो करबला आ गई जिसके लिए मुझे अल्लाह से मांगा गया। एक मरतबा खुश हुए कि करबला में मैं जौहर दिखाऊंगा, करबला आ गई जिसके लिए मुझे मांगा गया था। अज़दारों पहली ही मंजिल पर इम्तिहान हो गया। मौला फरमाते अब्बास दरिया के साथ खैमे लगा दो। अज़दारों खुश खुश हजरत अब्बास ने कि करबला में मुझे खिदमत करने का मौका मिल रहा है, मुझे मांगा ही करबला के लिए था, खैमे लगा दिए। जैसे ही खैमे लगे हमारे साथ का सिपाही आया, कहा कौन है सरदार इसका। हजरत अब्बास फरमाते मैं हूँ, क्या कहते हो, कहा खैमे हटा लो। अब्बास ने तलवार निकाली और कहा करबला के लिए मुझे मांगा और ज़हरा की बेटियों के खैमे हटाओ। एक मरतबा लंबा खत जमीन पर कह जा का किसी में जुर्रत है इस खत को पार करके दिखाए अली की बेटियों के खैमे। मैं कहूंगा या अब्बास तेरा शाम गरीब आ गया है, जब खैमों को जलाया जा रहा था अली और बतूल की बेटियों के सरों में चादर। I'm